दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिगनर्स बायोइनफॉर्मेटिक्स सीरीज़ के इस चौथे वीडियो ट्यूटोरियल में। चलिए कुछ और नए फंडामेंटल सीखते हैं। आज हम ब्लास्ट यानी कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, जो कि एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है बायोइनफॉर्मेटिक्स का, के लेटेस्ट वर्जन के बारे में सीखेंगे। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाऊंगी कि ब्लास्ट कैसे यूज़ करते हैं व इसके रिजल्ट्स को कैसे समझते हैं। फिर आप इस ट्यूटोरियल के अंत में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन से अभ्यास करिए व कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए बेसिस एक जैसे ही होते हैं व प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले जेनेटिक कोड भी यूनिवर्सल हैं। इसी कारण से न्यूक्लियोटाइड व प्रोटीन सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व इन्हें आपस में अलाइन करके यानी कि एक के नीचे एक रख के कंपेयर किया जा सकता है। ऐसा करने से दो या दो से अधिक जीवों की सीक्वेंसेस में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं पता चलता है। इस डेटा को यूज़ करके हम उनके बीच में होमोलॉजी व इवोल्यूशनरी संबंधों का पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मनुष्य व सभी एप्स के डीएनए व प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करें तो चिंपैंजी व ह्यूमन के बीच में सबसे ज़्यादा समानताएँ होंगी। ब्लास्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो हमें दो सीक्वेंसेस के बीच लोकल सिमिलैरिटीज ढूंढने में सहायता करता है। ये मुख्यतः पेयरवाइज अलाइनमेंट के लिए प्रयोग होता है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ब्लास्ट सॉफ्टवेयर जब सीक्वेंसेस को कंपेयर करता है तो वह उन्हें मैथमेटिकल स्कोर्स में कन्वर्ट करता है व स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या ई वैल्यू भी बताता है। इसलिए हम ब्लास्ट का प्रयोग करके न केवल दो ऑर्गेनिज्म व सीक्वेंसेस के बीच फंक्शनल व इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप खोज सकते हैं बल्कि एक जीन फैमिली के नए मेंबर्स भी ढूंढ सकते हैं। आइए ब्लास्ट व इसके सब टाइप्स के बारे में जानते हैं। ब्लास्ट होम पेज पर हम वेब ब्लास्ट टैब के अंदर विभिन्न प्रकार के ब्लास्ट सब टाइप्स को पाएंगे। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट या BLASTn, प्रोटीन ब्लास्ट या BLASTp, ब्लास्ट एक्स व TBLASTn। एक और सब टाइप है TBLASTx जो कि होम पेज पर अंकित नहीं है। अगर नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो कुछ और ब्लास्ट के टाइप दिए हैं जो कि स्पेशलाइज सर्च में यूज़ किए जाते हैं। इस टेबल में विभिन्न प्रकार के ब्लास्ट सब टाइप्स के बारे में जानकारी दी है। BLASTn न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, यानी कि हमारी क्वेरी सीक्वेंस भी न्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए व डेटाबेस जहाँ से ब्लास्ट कंपैरिजन करने के लिए दूसरी सीक्वेंसेस प्राप्त करता है वो डेटाबेस भी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस होना चाहिए व हमारे रिजल्ट्स या आउटपुट भी न्यूक्लियोटाइड ही होगा। इसी प्रकार BLASTp में हमारी क्वेरी सीक्वेंस व डेटाबेस दोनों प्रोटीन होने चाहिए व आउटपुट भी प्रोटीन सीक्वेंस में ही प्राप्त होगा। बाकी तीनों प्रकार के ब्लास्ट मिक्स ब्लास्ट भी कहलाते हैं। BLASTx में क्वेरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की होती है और कंपैरिजन से पहले 6 प्रोटीन सीक्वेंसेस या 6 ORF में ट्रांसलेट की जाती है। फिर इन प्रोटीन सीक्वेंसेस को प्रोटीन डेटाबेस सीक्वेंसेस से कंपेयर करके रिजल्ट्स को प्रोटीन सीक्वेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। TBLASTn में सीक्वेंस क्वेरी की सीक्वेंस प्रोटीन की व डेटाबेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस की सभी सीक्वेंसों को 6 ORFs में ट्रांसलेट करके उनका क्वेरी से कंपैरिजन किया जाता है व न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेट में आउटपुट दिया जाता है। TBLASTx में क्वेरी व डेटाबेस दोनों ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के होते हैं व दोनों को पहले 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स या ORFs में ट्रांसलेट किया जाता है कंपैरिजन के लिए व आउटपुट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में ही प्राप्त होता है। इस बेसिक जानकारी के बाद आज के ट्यूटोरियल में हम मोस्ट कॉमन ब्लास्ट सर्च जो कि BLASTn है का प्रयोग करना सीखेंगे। पहले हम होम पेज पर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को क्लिक करेंगे। हम पांचों प्रकार के वेब ब्लास्ट ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं। यहाँ एक फॉर्म है जिसके तीन भाग हैं, एंटर क्वेरी सीक्वेंस, फिर चूज सर्च सेट व प्रोग्राम सेलेक्शन। पहले तो हम अपनी क्वेरी सीक्वेंस चुनेंगे जिसके लिए हम कंपेयर व एनालाइज करना चाहेंगे।
ये सीक्वेंस हमें प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से प्राप्त हो सकती है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। इस क्वेरी सीक्वेंस को या तो इस टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करिए, या हम इसके एक्सेशन नंबर को टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर NM_000321.2 टाइप किया गया है। अगर आप जेनबैंक या न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के एनोटेशन पेज पर हैं व आपको उस सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट प्रयोग करना है, तो आप राइट हैंड साइड पर रन ब्लास्ट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पूरी सीक्वेंस कंपेयर नहीं करनी है बल्कि एक सेक्शन ही कंपेयर करना है, तो क्वेरी सब रेंज के अंदर फ्रॉम और टू बॉक्स में अपनी रेंज टाइप कर दीजिए, जैसे कि 60th बेस से लेकर 180th बेस तक ही कंपेयर करना है, तो मैंने 60 व फ्रॉम में 60 और टू में 180 एंटर कर दिया है। अगर सीक्वेंस की फाइल कभी कहीं सेव की है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, जॉब टाइटल भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अगर अपनी सीक्वेंस को डेटाबेस से नहीं परंतु किसी और सीक्वेंस से कंपेयर करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स पर टिक कीजिए जहाँ टू और मोर सीक्वेंसेस लिखा है। अब दो बॉक्सेस यहाँ दिख रहे हैं, टॉप बॉक्स में एक या एक से ज़्यादा क्वेरी सीक्वेंस भी एंटर कर सकते हैं, और नीचे के बॉक्स में एक या ज़्यादा सब्जेक्ट सीक्वेंसेस एंटर कर सकते हैं। फिर ब्लास्ट बटन को प्रेस करके इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। पर अगर ट्रेडिशनल ब्लास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्वेरी सीक्वेंस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके हम अगले सेक्शन में जानेंगे, जो कि चूज सर्च सेट है। यहाँ अवेलेबल डेटाबेसेस की एक लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट BLASTn न्यूक्लियोटाइड नॉन रिडंडेंट डेटाबेस या NRNT डेटाबेस का प्रयोग करता है। अगर आपको एक खास ऑर्गेनिज्म की ही सीक्वेंस चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कि आप इस ऑर्गेनिज्म को अपनी सर्च में इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट पर यानी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ब्लास्ट में हम अपनी सर्च को लिमिट भी कर सकते हैं, जैसे कि RNA पॉलीमरेज नॉट ई कोलाई टाइप करने से ब्लास्ट हमें ई कोलाई छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म की RNA पॉलीमरेज सीक्वेंसेस, जो भी हमारी क्वेरी से मैच करेंगी, रिजल्ट्स में दिखाएगा। तीसरे सेक्शन प्रोग्राम सिलेक्शन में तीन चॉइसेस हैं, हाईली सिमिलर सीक्वेंस या मेगा ब्लास्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी है, उन डेटाबेस सीक्वेंसेस के लिए यूज़ होता है जिनकी सीक्वेंस क्वेरी सीक्वेंस के 95% या ज़्यादा मैच करती है। अगला ऑप्शन डिसकंटिगुअस मेगा ब्लास्ट उन सीक्वेंसेस के लिए है जो ज़्यादा मैच नहीं करती। तीसरा ऑप्शन BLASTn में समवॉट सिमिलर सीक्वेंस के लिए है, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स में एक डिस्टेंट रिलेशनशिप अगर है तो उनकी सीक्वेंसेस हाईली मैच नहीं करेंगी। इसके अलावा भी कई और एल्गोरिदम पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की तरह हम चेंज नहीं करते हैं, या फिर अगर ऐसा कोई रिसर्च क्वेश्चन है तो उसके लिए रीसेटिंग की जा सकती है। इन पैरामीटर्स की मदद से ब्लास्ट हमारी क्वेरी सीक्वेंस व डेटाबेस की सीक्वेंसेस को कंपेयर कर एक मैथमेटिकल स्कोर देता है। अब हम तैयार हैं अपनी क्वेरी को ब्लास्ट करने के लिए, तो ब्लास्ट बटन को प्रेस करते हैं। थोड़ा वक्त लगता है रिजल्ट्स आने में, तो धैर्य रखिए। तो ये रहे रिजल्ट्स, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ब्लास्ट रिजल्ट्स पेज पर समरी, डिस्क्रिप्शन टेबल, ग्राफिक समरी, अलाइनमेंट्स व टैक्सोनॉमिक सेक्शंस दिख रहे हैं। इस रिजल्ट पेज में ऊपर समरी सेक्शन को मैंने मार्क किया है। इसमें क्वेरी ID, डेटाबेस वगैरह जिसको हम सर्च के समय हमने चूज किया था दिए गए हैं। ऊपर हमें तीन विकल्प या ऑप्शंस दिख रहे हैं, एडिट सर्च, सेव सर्च व सर्च समरी। एडिट सर्च हमें सर्च पेज पर वापस ले जाएगा, और हमें यहाँ अगर कुछ सेटिंग्स वापस एडजस्ट या चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेव सर्च हमारी सर्च सेटिंग्स को सेव करेगा जिन्हें हम वापस यूज़ कर सकते हैं। सर्च समरी में एक टेबल दी जाती है जिसमें समरी स्टैटिस्टिक्स व सर्च सेटिंग्स दी होती हैं। हमारी राइट हैंड साइड पर फिल्टर रिजल्ट्स का ऑप्शन है,
इसमें हम दी गई सूची से कोई भी ऑर्गेनिज्म चुन सकते हैं, फिर ब्लास्ट हमें फिल्टर करके केवल उसी ऑर्गेनिज्म के रिजल्ट्स दिखाएगा। जैसे कि अगर ह्यूमंस या होमोसेपियंस का ही डेटा चाहिए तो उसे चूज़ करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेटा नहीं चाहिए तो उसे एक्सक्लूड चेकबॉक्स का प्रयोग करके रिजल्ट से हटा सकते हैं। डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स में जो भी मैचेस हमारे रिजल्ट से हैं उनको डिस्टेंस ट्री के फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। अगर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करनी है तो MSA व्यूअर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन्स के लिए MSA का लिंक है। समरी के बाद डिस्क्रिप्शन टैब में ब्लास्ट द्वारा NTNR डेटाबेस में जितने भी हिट्स या रिजल्ट्स मिले हैं वो दिखाए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लास्ट हमें 100 रिजल्ट्स दिखाता है, जिनमें उन सीक्वेंसेस को दिखाया गया है जो ब्लास्ट एनालिसिस में महत्वपूर्ण अलाइनमेंट हैं। इन रिजल्ट्स के पास ही 3 पुल डाउन मेन्यूज़ भी हैं। डाउनलोड मेन्यू का प्रयोग करके जो भी रिजल्ट्स हम चूज़ करते हैं उनके सामने का बॉक्स चेक करेंगे तो उनके रिजल्ट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज कॉलम मेन्यू में टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सभी की एक लिस्ट दी गई है। इस मेन्यू में बॉक्सेस को टिक करके या अनटिक करके हम टेबल के डिस्प्ले को कस्टमाइज यानी कि अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टोटल स्कोर का कॉलम नहीं चाहिए तो इसके बॉक्स को अनचेक करिए यानी टिक हटा दीजिए। शो मेन्यू का प्रयोग करके आप टेबल हिट्स का नंबर बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लास्ट 100 रिजल्ट्स दिखाता है, पर हम इनको 50 या 10 भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट 8 कॉलम्स है। पहला कॉलम है डिस्क्रिप्शन, जहां पर सभी मैचेस का एक लिंक दिया गया है, जैसे कि मैंने एरो से दिखाया है। इन पर क्लिक करके हम क्वेरी व सब्जेक्ट सीक्वेंस जो कि डेटाबेस से ली गई सीक्वेंस है का अलाइनमेंट देख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हिट्स या रिजल्ट्स के अलाइनमेंट देखने हैं तो उनके सामने के बॉक्सेस को चेक करेंगे। अगला कॉलम मैक्स स्कोर के लिए है। ब्लास्ट जब क्वेरी व सब्जेक्ट सीक्वेंसेस को अलाइन करता है तो कंपेयर करके एक मैथमेटिकल स्कोर देता है। ये स्कोर या नंबर्स एक स्कोरिंग मैट्रिक्स की मदद से दिए जाते हैं। इस स्कोर को हम मैक्स स्कोर कहते हैं। अलाइनमेंट करते समय दोनों सीक्वेंसेस यानी कि क्वेरी व सब्जेक्ट सीक्वेंसेस में जो भी बेसिस मैचिंग होते हैं उन्हें एक पॉजिटिव स्कोर मिलता है और जो मैच नहीं करते उन्हें नेगेटिव स्कोर मिलता है। अगर अलाइनमेंट में कहीं गैप्स हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं तो ब्लास्ट इन गैप्स के लिए एक गैप पेनल्टी स्कोर जो कि माइनस में होता है ऐड करता है। सो मैच मिसमैच व गैप स्कोर्स का टोटल मैक्स स्कोर बनाता है। अगला कॉलम है टोटल स्कोर्स का। ब्लास्ट एक लोकल अलाइनमेंट टूल है, यानी कि पूरे डेटाबेस सीक्वेंसेस में जिस भी रीजन में क्वेरी सीक्वेंस के साथ मैच मिलता है ब्लास्ट एक से ज़्यादा रीजन्स में भी मैच करके एक से ज़्यादा स्कोर देता है। इन्हीं स्कोर्स के टोटल को टोटल स्कोर्स कहते हैं। अगर एक ही रीजन में मैच होता है तो मैक्स स्कोर व टोटल स्कोर ऑब्वियसली एक ही होता है। अगला कॉलम है क्वेरी कवर का। यहाँ पता चलता है कि अलाइनमेंट के लिए ब्लास्ट ने पूरी सीक्वेंस यूज़ की तो 100% या कुछ ही हिस्सा यूज़ किया तो जैसे कि 82% क्वेरी कवर हुआ। अगला कॉलम है ई वैल्यूज़ यानी कि एक्सपेक्ट वैल्यूज़। ये एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है जिससे पता चलता है कि कितने हिट्स या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाय चांस हमारे रिजल्ट में आ गए हैं। इसलिए अगर ई वैल्यू बहुत ही छोटी ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है हमारा अलाइनमेंट बाय चांस नहीं हुआ और मैचिंग सिग्निफिकेंट है। परसेंटेज आइडेंटिटी के कॉलम से पता चलता है कि क्वेरी व सब्जेक्ट सीक्वेंसेस कितनी आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल एक जैसी हैं। हम यहाँ फिल्टर का उपयोग करके अपनी ज़रूरत की परसेंटेज आइडेंटिटी की सीक्वेंसेस ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 94.74% और 94.76% के बीच कोई मैचिंग सीक्वेंस है। अगर है तो ब्लास्ट हमें दिखाएगा। अगला कॉलम ACC लेन अभी हाल ही में ऐड किया गया है व इसका प्रयोग करके हम रिजल्ट्स को एक्सेशन लेंथ यानी कि सीक्वेंस के साइज़ के हिसाब से छांट सकते हैं। सबसे आखिरी कॉलम में एक्सेशन नंबर दिए हैं उन डेटाबेस सीक्वेंसेस के
जिनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और जो हमारी क्वेरी सीक्वेंसेस से काफ़ी सिग्निफिकेंटली मैच करते हैं। अगर आप इन लिंक्स पर क्लिक करें तो ये आपको NCBI न्यूक्लियोटाइड के एनोटेशन पेज पर ले जाएंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में समझे थे। चलिए कुछ रिजल्ट्स में से मैचिंग सीक्वेंसेस को चूज़ करते हैं उनके सामने के बॉक्सेस पे क्लिक करके। हम देख रहे हैं कि ऐसा करते ही जेन बैंक ग्राफिक्स डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स व MSA व्यूअर के लिंक्स अब एक्टिव या सक्रिय हो गए हैं। जेन बैंक लिंक वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक्सेशन नंबर कॉलम के लिंक करते हैं। ग्राफिक्स का लिंक यूज़ करके ये हमें एक ग्राफिकल सीक्वेंस व्यूअर पेज पर ले जाएगा। डिस्टेंस ट्री का रिजल्ट एक फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम दिखाएगा जिसमें हमारी क्वेरी सीक्वेंस बाकी के रिजल्ट सीक्वेंसेस से कैसे संबंधित है हम समझ पाएंगे। यहाँ एक छोटा सा 4 सीक्वेंसेस जो हमने पहले सेलेक्ट की थी का एक ट्री लाइक डायग्राम है और MSA व्यूअर लिंक से हम चुनी हुई 6 सीक्वेंस की अलाइनमेंट देख सकते हैं। चलिए अब वापस मेन ब्लास्ट रिजल्ट्स पेज पर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन टैब के बाद अगला टैब है ग्राफिक समरी। यहाँ सभी बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। हम सबको अनसेलेक्ट करके कुछ ही रिजल्ट्स चूज करेंगे जिसकी ग्राफिक समरी हम चूज करेंगे। इस पेज पर एक कलर की दी गई है जो अलाइनमेंट स्कोर्स यानी कि मैक्स व टोटल स्कोर्स पर बेस्ड है। 200 या उससे ज़्यादा स्कोर लाल रंग से, 80 to 200 के स्कोर गुलाबी रंग से, 50 to 80 के स्कोर हरे रंग से व 40 to 50 के स्कोर नीले रंग से व 40 से कम के स्कोर्स काले रंग की रेखाओं से दर्शाए गए हैं। अगर हम किसी भी रेखा या लाइन पर अपना कंप्यूटर माउस को ले जाते हैं तो इस अलाइनमेंट कर्व का टाइटल देख सकते हैं व अगर क्लिक करें तो क्वेरी व सब्जेक्ट सीक्वेंस का पेयरवाइज अलाइनमेंट देख पाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि सभी लाइनें एक ही लंबाई की नहीं हैं, इनकी लेंथ क्वेरी कवर पर निर्भर करती है। अब अलाइनमेंट सेक्शन में देखते हैं जहाँ क्वेरी व डेटाबेस सीक्वेंसेस के विस्तृत रूप से अलाइनमेंट मौजूद है। अलाइनमेंट से 2 सीक्वेंसेस के बीच के मैचेस व मिसमैचेस का पता चलता है व मैच स्कोर्स में से गैप स्कोर सब्ट्रैक्ट करके मैक्स स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं। जब 2 सीक्वेंसेस के बीच एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है तो वो मैच दर्शाती है। यहाँ भी एक जेनबैंक लिंक है जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस ग्राफिक में ले जाएगा। ये एक ग्राफिकल सीक्वेंस व्यूअर द्वारा प्रदर्शित अलाइनमेंट है। इस पिक्चर में RB जीन के एग्जॉन्स व जीन में इन एग्जॉन्स की क्या लोकेशंस हैं को हम देख सकते हैं। अलाइनमेंट डिस्प्ले में एक मिनी टैब ऊपर रहता है जिसमें अलाइनमेंट की स्टैटिस्टिक्स को दिखाते हैं, जैसे कि बिट्स में अलाइनमेंट का स्कोर। रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिंक्स भी दाईं ओर दिए गए हैं जैसे कि जीन डेटाबेस, जीनोम डेटा व्यूअर एसेट्रा। इन लिंक्स की सहायता से हम दूसरे रिसोर्सेज से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने चुने हुए रिजल्ट्स की फास्टा या जेनबैंक फॉर्मेट में सीक्वेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंसेस डाउनलोड की हैं जो कि नोटपैड पर हैं। हम इन्हें सेव करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लस्टर ओमेगा सॉफ्टवेयर में यूज़ करके फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लास्ट में टैक्सोनॉमी टैब है। यहाँ हम उन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जिनकी सीक्वेंसेस हमने रिजल्ट से चूज़ की हैं। दोस्तों, ये था हमारा ब्लास्ट ट्यूटोरियल। आशा है आप मेरा दिया डेमोंस्ट्रेशन समझ पाए हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, इन्हें यूज़ करके BLASTn व BLASTp जो कि काफ़ी सिमिलर है रिजल्ट्स प्राप्त कीजिए व इन क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको 2 एक्सेशन नंबर दिए गए हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के लिए और एक प्रोटीन के लिए। आप इन एक्सेशन नंबर को और दिए गए इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके फिल्टर्स का यूज़ करिए और टोटल व मैक्स स्कोर प्रथम 5 सीक्वेंसेस के लिए पता करके कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर दीजिए। अगर कोई प्रश्न है या कुछ समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए ताकि मैं बनाती रहूँ आपके लिए और बेहतर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय व थैंक यू।